और आज डे 9th है। मेरा कल गोमू का ट्रिप हो गया था तो मैं सोची आज नेक्स्ट मॉर्निंग में जाऊंगी, लेकिन देखा 1 घंटे के अंदर पूरी जगह स्नो फैल गई। पहले यहाँ कुछ नहीं था सुबह 5 बजे 6 बजे, और देखिए कितना बर्फ गिरा, और इस टाइम जाने लायक नहीं है। सो मुझे आज जाना था ना, क्या कहते हैं, वापस गंगोत्री धाम, लेकिन यहाँ सुबह देखा 1 घंटे 6 बजे बिल्कुल बर्फ़ नहीं थी, बिल्कुल प्लेन था। 1 घंटा देखा पूरा वेदर चेंज हो गया, लेकिन लोग ऐसे वेदर में भी जा रहे हैं देखिए बाहर, और ऐसे वेदर में जाना भी रिस्की है, चाहे पैदल हो चाहे घोड़े से, क्योंकि देखिए इतना स्नो गिर रहा है, स्लिपी वैसे ही था, और स्नो की वजह से आपके कपड़े भी देखिए पूरे गीले हो जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपके उसके बर्फ़ के अकॉर्डिंग आपके कपड़े शूज़ नहीं हैं, तो मुझे मजबूरन आज रुकना पड़ेगा यहाँ पर। और देखिए अभी भी लोग जा रहे हैं, कितनी बर्फबारी हो रही है। रुके हैं भोजबासा में, ये रूम है, ये पुलिस वाले का गेस्ट हाउस है, ये लोग चुपचाप किराए से उठा देते हैं। 1200 का रूम है और एकदम थर्ड क्लास का, यहाँ लाइट भी नहीं है, सफाई भी नहीं, देखिए कितना गंदा है कमरा, और ना पानी की कोई फैसिलिटी, और बहुत बेकार रूम है। और यहाँ है ना आश्रम में 500 रुपये में रुकने का है, उसमें भी ज़मीन में लेटने का मिलता है, उसमें खाना फ्री है। जीएमवीएम का भी है ना, क्या कहते हैं, वहाँ बहुत महंगा, 350 में दाल सब्जी रोटी चावल मिलता है, 350 का, 80 रुपये की है ना मैगी, 40 रुपये की चाय, मतलब इतना महंगा खाना पीना है यहाँ पे। और ना कोई नेटवर्क है, ना ही कोई है ना यहाँ पे फ़ोन लगता है, ना बिजली है, बहुत बेकार व्यवस्था है। गवर्नमेंट यहाँ पे है ना किसी, यहाँ पे ना ये लोग कुछ नहीं करते फॉरेस्ट वाले, और फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं है। गोमुख में तो इतना ख़राब रास्ता है, और गोमुख है तो पवन पड़ता है, वहाँ पत्थर वत्थर पड़े हुए हैं, इतना ख़राब रास्ता है कि आदमी वहाँ जाके गिर के मर जाए, पता ही नहीं चले किसी को। तो और ये रूम के नाम पे ये सब चीज़ें दी जाती, देखिए कैसा रूम घर में बड़े, और सेपरेट हमने लिया था वो भी 1200 रुपये में। और इस वक्त बर्फ़बारी हो रही है, कहते 3-4 दिन तक है ना बर्फ़बारी होती रहेगी 3 जून तक, तो अभी ज़्यादातर लोग नीचे उतर गए, घोड़ा खच्चर कुछ नहीं चल रहा है बिल्कुल। वेलकम बैक टू माई चैनल डिवाइन दीदी द एक्सप्लोरर। और मैंने कल गोमुख का दर्शन किए, कल बहुत सुबह बारिश हो रही थी 10:30 पे, वहाँ से सारे स्नोफॉल इतना जोर आ रहा था, इतनी लैंडस्लाइड हो रहा था, मेरे साथ मेरी सिस्टर को भी ना थोड़ा सा लग गया था, घोड़े वोड़े सब बंद थे, और बहुत रास्ता ख़राब है, मैंने वीडियो भी बनाया है उसका। तो कल नाइट में मैं यहाँ आ गई गंगोत्री के पास, गंगोत्री मंदिर देवी के पास में मैंने एक होटल लिया जो 1500 रुपये रेट था, मैंने कम करा के 1400 लिया। कल मैं इतना थकी थी, वैसे तो आज मेरा गंगोत्री से वापस है ना जाना था, उत्तरकाशी में रुकना था, लेकिन मैं उत्तरकाशी में ना रुक के मैं सोची यहीं स्टे करूँ, क्योंकि बहुत 2 दिन की थकान थी, वहाँ लाइट वाइट तो कुछ थी नहीं, तो आज मैं पूरा दिन यहाँ स्टे करूँगी। उत्तरकाशी का प्लान मैं कैंसिल करती हूँ, और मैं कल डायरेक्ट गंगोत्री धाम से हरिद्वार जाऊँगी। 280 किलोमीटर समथिंग है गंगोत्री धाम से। और ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये मेरे मार्केट है, यहाँ उलन कपड़े, उलन शॉल, मतलब हिमाचल का, उत्तराखंड का, और इसके अलावा नेपाल का, ये सारी चीज़ें हैं। ये जो मैं कैप लगाए हूँ, ये शॉल ओढ़े हूँ, ये भी मैंने यहाँ से ख़रीदा है। और कुछ ये जो घर से में जो बनते हैं उसका ये ज़्यादा वार्म करता है, तो मैंने काफ़ी चीज़ें खरीदी हैं अपने घर के लिए, कुछ गिफ्ट देने के लिए, तो ये मैंने ख़रीदा। अभी मैं आपको कुछ मार्केट दिखाती हूँ आपको। इस वक्त 3:30 बज रहा है, कल मॉर्निंग मुझे निकलना है, तो इतना सारा चीज़ ले लिया है मैंने। कितने तो यहीं के रहने वाले आप? नहीं, हम तो उधर के हैं, मगर इधर ज़्यादा साल हो गए, हमारा वोटिंग ये वो सब इधर का। कितने साल से रह रहे हो? कितनी उम्र है आपकी? या अभी हो गई 81 हो गई माता। तो आपके परिवार नहीं है कोई? मैं तो बचपन में घर छोड़ दिया 15-16 साल। तो गंगोत्री धाम पे ही रहते हो? बस यही। आप उत्तराखंड के ही रहने वाले हो? नहीं नहीं, हम महाराष्ट्र के। मराठी हो जी? तो आपका खाना पीना कैसे होता है? सब माँ पूरा करती है, अन्नपूर्णा है, उसके पास क्या कमी है, भगत लोग है दिवाली के बाद। कितनी उम्र होगी आपकी लगभग? 81 81। अच्छा, यहाँ आप पूरा जन्म गए, परिवार से कोई संपर्क नहीं है? अच्छा, साल हो रहे रहते। और रहते कहाँ, सोते कहाँ? वो बड़ा पार्किंग है ना, हाँ, उसके नीचे गंगा किनारे हमारी गुफा। ठंड नहीं? अच्छा, गुफा में रहते हो? हाँ, गुफा। अच्छा, मतलब भाई माँ बाप कोई रिश्तेदार? संन्यास लेने के बाद घर की ये नहीं करना। अच्छा, जब एक बार संन्यास लिए सब छोड़ दिए, जिंदे बने में सबका पिंड दान कर दिया हमने,
अच्छा, माता का भी कभी शादी नहीं की आपने? ना माता, 15-16 साल में घर छोड़ी। क्यों घर छोड़ी? ऐसे मन में था कि साधु बनना है? जिस लाइन पे भगवान को ले जाना वैसा वो बराबर रास्ता बनाता है। अच्छा, चलिए मिलके अच्छा लगा। जय हो। ये आजकल ये चला है जिसमें चारों धाम की ये पूरा है। भैया बड़ा बैग मिलेगा? बड़ा बैग नहीं, यहाँ खाने पीने की बहुत दुकान है। आप में पिज़्ज़ा बर्गर सब कुछ खा सकते हैं। चाउमीन देखिए, ये सारे प्योर वेजिटेरियन है। छोटी छोटी वो है, आप गंगा जल लेके ना गिफ्ट भी ले सकते हैं, अपने घर के लिए भी ले सकते हैं। छोटी छोटी क्रिंडलियाँ हैं लड्डू गोपाल के लिए, ये गंगा जल भरने के लिए बोतलें, ये रेनकोट अगर रेनकोट भूल जाए आप गोमू की यात्रा के लिए। छोटे छोटे ये कितने का है? ये बीच वाला निकालो जरा। अच्छा, क्या क्या है आपके? जो ये कहाँ से आता है सारी चीजें? यही पहले यहीं का है। किधर का? ये घर का चावल है। कौन सा? ये वाला लाल चावल। ये चावल लाल, ये अच्छा। ये घर का है। अच्छा। ये जो इसको पूजा में काम आता है, हवन का। अच्छा। हवन में ये चौसा है। चौसा क्या होता है? चौसा होता है दाल बनती है इसका। चौसा नहीं है, ये मंडवा है, मंडवा आटा। चौसा हो गया खत्म। अच्छा, ये वो है वो जो दाल बनती है गढ़वाली। हाँ, इसको कैसे बनाते हैं? खेतों में होता हमारा। नहीं नहीं, जिसे इसके क्या प्रोसेसिंग क्या है इसके बनाने? जैसे दाल उबाल के फिर उसके बाद चौका बनाते हैं, तो ऐसे कुछ। लेकिन यहाँ आपके यहाँ लोकल वो भी होता है ना, लोकल जीरा होता है वो है, जकिया। हाँ, जकिया जकिया होगा। जी जकिया ना, तो जैसे गोबर का धोबे, इसमें बहुत चीजें मिलाई हुई होती है, जड़ी बूटी। ये क्या है? ये धूप बोलते हैं इसको, धूप नहीं होता है। ये किस चीज का बना होता है? ये गोबर का है और इसमें गाय का गोबर और जंगल में होते जड़ी बूटी। अच्छा, इसको आप जला दो, जल जाएगा? ये जल जाएगा, क्यों नहीं जलेगा? कितने का है ये? 2 रुपए का। तो इसमें कुछ आपको कपूर अपूर लगाने की जरूरत नहीं? नहीं नहीं, ये गाय के गोबर का होता है कि किसका होता है? अरे जड़ी बूटी होते जंगल में ना, उसका होता है। ये जो रखा हुआ है पीछे, ये क्या है? ये चेमरू का डंडा है, ये चेमरू वाला भोलेनाथ का डंबा। ये मतलब किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? इससे बहुत प्रेत का डंडा है। लेकिन इतना बड़ा डंडा कैरी करने के लिए कोई कैसे? इसका और क्या क्या इस्तेमाल होता है? ये दांत साफ होते हैं। और इसका और क्या इस्तेमाल होता है? पूजा पाठ में भी होता है? पूजा पाठ में वही है कि मकान की सुरक्षा के लिए रख रखता है। जैसे दरवाजा था ना मैम, उसमें लकड़ी। कुछ ऐसी लकड़ियाँ होती है ना, कहते सांप बिच्छू ना आए आपके घर में, उसके लिए भी होता है क्या? ये होता है सारे। ये किसको बोलते क्या है? टिमरू। टिमरू ये कहाँ पाया जाता है? जंगल में। कौन से जंगल में? किधर से? मतलब उत्तराखंड में किधर? गंगोत्री के साइड में। और मुझे यहाँ का राजमा बताइए, लोकल राजमा। देखिए अगर आज में चौलाई का आटा है, चौलाई का आटा, इसको क्या इसको सामने में दिक्कत होती होगी? मतलब जैसे इसका जैसे नॉर्मल आटा गेहूं का होता है, तो उस तरह से सान सकते हैं कि इसको सान? वैसे गूंदना पड़ता है चौलाया मार छा देगा तो प्रधानमंत्री से अवार्ड मिल रखा है इनको तो। अच्छा, हाँ जी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा कैसे अवार्ड है? 50 के 2 50 के 1 है वो। और छोटा ले लगी? अरे और छोटा क्या, वो छोटे मतलब हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बड़ा सौ। और किस किस चीज का अचार बनाती हैं आप? ये बनाते हैं ये उनको ब्रांच का जूस दिखाओ ना, ब्रांच का जूस दो।
ये पहले अचार बताइए मेरे को। अचार बताओ ना इनको, लहसुन का अचार है, अदरक का है, जो घर के चीजें है हमारी। ये आंवले, ये आम है, नींबू का है। नींबू के अलावा और आंवले का भी होगा और मिर्च का है। मिर्च तो मिक्स होगा मैम इसमें सब में। कटहल का भी है। कटहल का बताइए। यहाँ कटहल होता है? नहीं, देहरादून में। हैं? देहरादून में। देहरादून में कटहल होता है? लीची होती है, आम होता है, देहरादून में बहुत ज्यादा। और एक बनता है मोटा चावल है। मोटा है, मोटा है, स्वादिष्ट है, घर का है, इसमें विटामिन ए बी सी सब रहता है। एक ये दे दो, एक अचार दे दो। नहीं, ये आप बोल रहे थे कौन सा नमक बोल रहे थे? इसमें ना घर का नमक है, पिसावा नमक। इसको ना उसके साथ खा लो, इसमें आप सलाद सलाद बनाते डाल दो, किसी के साथ भी खा लो आप इसको। कितने का ये? कितने का ले? ये 50 रुपए। जीरा भी है, काला नमक भी है, काला नमक भी, सब मिक्सिंग कर रखा है ना। सारे यही नमक ही है। ये दे दीजिए, पेट साफ के लिए बढ़िया होता है। ये क्या है? ये अलग चीज है, ये जीरा है मैम, भुना हुआ जीरा। भुना हुआ जीरा, इसको कैसे क्या यूज करते हैं? तो जीरा है कि और है कुछ इसमें? नहीं, जीरा नहीं है, चाय वो मसाला, मसाला नहीं, वो ये होगा क्या बोलते इसको, कौन सा चाय मसाला? अरे वो आदो चोरा चोरा नहीं, चाय मसाला है वाली। अगर कोई इस नंबर से आपको कॉल करे और सामान मंगाए और होम डिलीवरी करवाए तो करते हैं आप लोग? जैसे यूपी एमपी कहीं भी, सितंबर अक्टूबर में, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे? सितंबर अक्टूबर में तो हमारे यहाँ बहुत आदमी होते हैं, कोई भी कर लेगा। नहीं तो क्या आप उसको बता सकते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स से मिलते हैं यहाँ पे वो मंगाए? बताइए। मेरा नाम कृष्णा प्रसाद रतुड़ी, ग्राम सोरा गोर सोरा, तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ। मैं विगत 4 वर्षों से अपने बगीचे में कृषि कार्य कर रहा हूँ, जिस आज जो 4 वर्ष की जो मेरी कहानी है इसमें लगभग मैं अभी जिले में प्रथम पुरस्कार मुझे मिल चुका है और अब राज्य और राष्ट्रपति तक की मैं सोच रहा हूँ। हमारे पहाड़ में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एक भारत की संरचना एक मानव संरचना से ले लीजिए आप, क्योंकि जैसा एक मानव है उसी तरह से भारत की संरचना, हम यहाँ सर पे बैठे हुए, यहाँ का हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का हर चीज़ जो है, जो जैसे कोई दिल्ली में या देहरादून में, उससे जो है कम से कम 80-90% से अधिक है। यहाँ का हर चीज़ जो है, जो हम कोई चीज़ उत्पादन कर रहे हैं, यहाँ सारा जैविक उत्पादन हमारा क्षेत्र में होता है। और जैसे हमारे यहाँ मेन लाल चावल होते हैं, राजमा होती है और काली दाल होती और सेब होता है, कई प्रकार की ऐसी फसलें हमारे पास जो ऑर्गेनिक हम तैयार करते हैं। जैसे हमारे ये वाला जो है चाय मसाला है, इसमें तुलसी की मात्रा है और चोरा है, दालचीनी है और आधा सूंठ है और अदरक, सारी चीज़ इसमें जो है हमने, जो इसको जो है ह्यूमिनिटी जो है आगे की बढ़ाता है। ये हमारे पहाड़ का है, लोकल है, उत्तरकाशी का है। और दूसरा ये जो है नमक है, नमक में जो इस सप्तरंग नमक भी कहते हैं, और इसमें जो है सादा नमक है, काला नमक है, चोरा है और अदरक है और लहसुन है, ये 7 चीज़ों से हमारा ये बना हुआ है। इसको सलाद में लोग यूज करते हैं। और इस तरीके से जो है अपने पास जो है ये धूप है, जैसे अपने पास ये धूप है तो धूप का जो है, जैसे ये हमने लोकल गाय का जो है गोबर, हमने जो है देसी गाय जो होती है बद्री गाय जिसको कहते हैं, उसका गोबर निकाला, उसमें देवदार का बुरादा डाला, जटामासी डाली, केदार पाती डाली, लहसुन डाला, जयान डाली, ये जो है गांव की महिलाएं बनाती है। और गांव की महिलाएं ये जो है थीम जो है मोदी जी की है, मोदी जी चाहते हैं कि आदमी की जो किसान की जो है इनकम दुगुनी हो, यदि महिलाएं जब बारिश हो रही धूप हो रही गद, यदि महिलाएं घर में बैठ कर इसको बनाएगी 50 पैसे में या 1 रुपए में 2 रुपए में ग्राहक मिलेगा। और जो लोग धूप का प्रयोग करते हैं उसमें मैं आपको एक जानकारी दी थी, यूट्यूब पे भी आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है टायर की मात्रा होती है, लेकिन ये हमारा शुद्ध है, इससे हमारा घर शुद्ध होगा, वातावरण हमारा शुद्ध होगा और गांव की महिलाओं को जो है रोजगार मिलेगा। और हम सभी लोगों को अधिक से अधिक जो ऑर्गेनिक चीज का प्रयोग करना चाहिए। आज का जो जमाना है ये जो है कई प्रकार की बीमारियां हो रही, इसका क्या कारण है? मेन कारण जो है इसका जो है हमारी जो खाद जो हम जो है यूरिया और DAP वगैरह जो हम यूज करें वो हमारे शरीर के एकदम बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए जो है हमको जो है अधिक से अधिक गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जैविक से जो है हमारा शरीर कोई नुकसान नहीं होगा और हमारा जो है आगे। और कई प्रकार के हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये चौलाई का आटा है, चौलाई जो हमारे जो है इसके लड्डू भी बनते हैं और इसको भून करके हमने जो है ये चौलाई का आटा तैयार किया है।
और इसके अलावा जो है मंडवा का आटा है, जिसको ये जिसको जो है मंडवा आटा जो है ये तैयार किया, 80 रुपये किलो यहाँ पे दे रहे हैं। और ये धनिया बीज वगैरह है। और सेकंड बात ये है कि ये हमारा जो देवदारों का जो है लकड़ी है, इसको हवन में काम, और आजकल लोग आम का यूज़ करते हैं। जैसे जो है संज्ञा दी गई है कि जैसे आदमियों में भी पंडित आगे होते हैं, ऐसे पेड़ों में विष्णु भगवान की संज्ञा जो है देवदार को दी गई है। देवदार का जो है आप लोग यात्रा करने जो आए थोड़ा जरूर ले जाएं, एक दो लकड़ी भी यदि अगर एक हफ्ते महीने में अगर घर घर की शुद्धि जरूर होगी। फिर हमारे ये टेमरो है, इसको जो है ये टेमरो है, टेमरो का जो प्रयोग जो है घरों की जो है चौखट और मेन दरवाजे में प्रयोग किया जाता है, जिससे जो एक बताते हैं हमारे जो पूर्वज लोग बताते हैं, इसपे ये क्या कहते हैं पुराणों में भी इसका वो उल्लेख है, क्योंकि ऐसे भैरव जी का जो है वाहन है, जैसे शंकर भगवान का जो है त्रिशूल है, उसी तरह से भैरव जी का जो एक वाहन ये साथ में एक शास्त्र है। और इससे जो है घर में जो है अगर आप चौखट पे इसको बांधेंगे तो उसको जो है क्या कहते हैं कोई नज़र या बाहे कोई किसी की दृष्टि है इस तरीके से कोई घर में प्रवेश नहीं करते। हम लोग भी घर में लगाते हैं और आप लोगों को लगाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और धन्यवाद। अचार वगैरह भी आप लोग देते हैं, ये भी यहीं का देसी है? ये अचार का जो है दरअसल भी ये है, अभी जो है मैं ज़्यादा लंबे समय से इस काम को नहीं कर रहा हूँ, लगभग 6 महीने अशुभ के नवरात्रि से मैंने शुरू किया, और कुछ इसके बाद जो है लगातार मैं लगभग जो हमारा जो ये समूह है 3 उसमें प्रतियोगिता समझ लो कि देहरादून और दिल्ली और क्या कहते हैं इसका ये चंपावत और उत्तरकाशी, ये हमने पुरस्कार भी हमको प्रथम पुरस्कार मिले हैं, ये पुरस्कार मिले हैं, ये हमारा उत्कृष्ट 6 महीने का भी हुआ है, ये 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 उत्तरकाशी जिले में जो है उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित हुआ हमारा समूह। ये मुख्यमंत्री जी ने जो है धामी जी ने हमको ये दिया है, ये रिलायंस की तरफ से हमको जो है इनाम मिला है। अभी 6 महीने का समय, ज़्यादा कोई लंबी उम्र नहीं इस काम को करने, और अब विचार है कि जैसा मैं काम कर रहा हूँ मेरे गांव के लोग जो है मेरे क्षेत्र के लोग जो है जैसे लोग मोमो चाउमीन का जो ज़्यादा प्रयोग करते इसका नहीं करना चाहिए मेरी दृष्टि में, क्योंकि वैसे तो मना लोग तो नहीं कर सकता हूँ मैं किसी को, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें कई प्रकार की जो है अब गोभी काट उसके अंदर कई कीड़े हैं, कई व्यवस्थाएँ जो हमारे कहीं नुकसान हो सकते हैं। हमें ऑर्गेनिक चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, भले ही चाहे वो कम हो और अच्छी मात्रा में उसको जो है हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता। तो ये ऑनलाइन ये जो इतने प्रोडक्ट्स हैं ये आप कहीं से कलेक्ट करते हैं कि ये ना आप कहीं जो घर की जो लेडीज़ हैं जो इसका जो जो ये प्रोडक्ट है कुछ तो मेरे गांव में अधिक से अधिक तैयार करते हैं, और इसके अलावा आसपास के गांव में मैं जाता हूं, लोगों से इसको खरीदता हूं और खरीद करके जो है उसको बेचता हूं। इस तरीके से मैं मेरा कहने का मतलब पहले मैं अपने गाँव को जोड़ू, पड़ोसी गाँव को जोड़ू, तीसरे गाँव को जोड़ू। तो आपका कौन से लोकल गाँव है? मेरा लोकल जो है ये अपने आप ही जो गंगोत्री रूट पे आए हैं तो एक लाटा के स्थान पे एक पायलट आश्रम है, बड़ी सी मूर्ति है, उसी के ठीक सामने है सौरा गांव है, और सौरा गांव के इंटर कॉलेज के ऊपर जो है आप दूर से ही देखेंगे पहले तिरंगा झंडा बहुत बड़ा लगाया था, वो टूट गया, हवा से टूट गया, और उसके ऊपर जो है नेट लगे हुए पेड़ के, तो काफी बड़ा बगीचा है और 16 प्रोग्राम है मेरे बगीचे में, और लगभग जो है 4 साल से बहुत मेहनत किया हूं। तो ये आप इसकी ब्रांचे भी है कि सिंगल यही है? अभी फिलहाल ये सिंगल ही है। तो कोई ऑनलाइन मंगाना चाहे सामान भारत के कहीं किसी भी कोने से भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आजकल जो है कोई ऐसी नेटवर्क या कोई ऐसी परेशानी तो है नहीं, भेज देंगे। तो पेमेंट क्या गूगल पे पेटीएम सब कुछ हो जाता है? तो ये जो आपने नंबर दिया हुआ है क्या गूगल पे और पेटीएम? ये वाला नंबर नहीं, ये तो मेरा अपना नंबर है ये, लेकिन जो गूगल पे पेमेंट वाला मेरी पत्नी का है, क्योंकि वो समूह से जुड़ी है तो उनको ही अधिकार मिलना चाहिए गूगल पे, जिससे अगर कोई कॉन्टेक्ट करेगा तो आपको इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करेगा। हाँ ये वाला नंबर है, इधर वाला, ये वाला, ये नंबर नहीं है, ये वाला नहीं, उसमें गूगल वाला या इस ये वाला नंबर, 31 वाला है लास्ट ये नंबर, इसमें भी है लिखा हुआ ये वाला नीचे लिखा हुआ नंबर, इसमें भी ये दिखाई दे रहा है, ये देखो इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें साफ थोड़ा दिखाई दे रहा है। ये जो नंबर दिया गया 9389 6959 31, आप इसको बोल दीजिए एक बार, मैं बताता हूँ। ये जो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9389 931, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर 9389 6959 31।
इससे आपसे कोई भी सामान मंगाना चाहे मंगा दे सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, कभी जो है पोस्ट ऑफिस में या कई चीजें इसमें थोड़ा सा ये होता, लेकिन ये समझ लीजिए अगर मानी ऑल इंडिया का, तो मैंने इस चीज़ का अनुभव भी कर लिया कि लगभग 10-12 दिन ऑल इंडिया में आप कहीं भी मिलाएं तो 10-12 दिन में के समय में पहुंच जाएगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कृष्ण प्रसाद रतुड़ी है। ओके, और इसमें आपकी वाइफ भी जुड़ी हुई है? मेरी वाइफ भी जुड़ी हुई है। उनका क्या नाम है? उनका कविता रतुड़ी है, पूर्व प्रधान भी रह चुकी है, और जब प्रधान रही तो समझ लीजिए कि पूरे भारत के 14 राज्यों में यात्रा करी, और पूरे एरोप्लेन से हर जगह जो मीटिंग होती, चाहे कभी क्या होता कि बेसिक स्कूल में भारत की जो मीटिंग होती है चावलों की, वहाँ भी हम छोटी छोटी मीटिंगों में जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने हम 5 साल का जो पद रहा, तो आज मेरे को लग रहा है कि जो मैंने मैंने पत्नी के साथ जो सहयोग किया उसका आज मेरे को ये मिल रहा कि मैंने कुछ यहाँ पे पहुँच गया। आपको ये अभी 2-3 साल हुए ये का प्रोडक्ट करते हुए? नहीं, ये तो मेरे को 6 महीने से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन 4 साल से मैं खेती कर रहा हूँ, और मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद देता हूँ, और उत्तरकाशी जिले प्रशासन का मैं धन्यवाद हूँ। भले थोड़ा टाइम लगा, 1 महीने बाद मेरी दुकान का ओपनिंग हुआ, क्योंकि सरकारी में कभी कोई इधर उधर छुट्टी वगैरह हो जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी मुझे खुशी है, कोई बात नहीं, 1 महीने लेट हुआ मेरा, कोई बात नहीं, लेकिन धन्यवाद उत्तराखंड सरकार का, और धन्यवाद जो उत्तरकाशी जिला प्रशासन का। थैंक यू। जो ये हमारा जो ये बद्री गाय जो घी है, ये हमारी जो लोकल गाय जो होती है यहाँ की, वो ये लगभग जो है एक टाइम जो है 1 किलो लगभग दूध देती है, और उसका जो है लगभग 20 दिन से 25 दिन में लगभग 1 किलो घी ही बन पाता है। और ये जो हमारी जो गाय जंगल में चुंगती है, जंगल में चुंगने के बाद क्या, कम से कम 100 प्रकार की पत्तियां खाती है, पत्तियां खाने के बाद जो समझ लीजिए कि वो ये घी नहीं है मेरी दृष्टि में, मेरा अपना अनुभव है, ये जो है औषधि है, इसके सामने जो है चमनप्राश भी फेल है, क्यों, ये जो है 100 प्रकार की जो जड़ी बूटी जो गाय खा रही है तो वो जो है औषधि है, वो घी नहीं है। क्योंकि घी कौन सा है कि जो लोग जो गाय जो है बाजार में रह रही, वो केवल भूसा खा रही, वो थोड़ा घास खा रही हरा, उसके पास वो उसको क्या देगा, वो केवल पिंडा खा रही, वो जो है दाने खा से जो दूध दे रही, ये नेचुरल चीज़ है और इसका प्रयोग करना चाहिए। और इसका जो है जो रेट है अभी तो ये कुछ नहीं है, जो मोदी अभी मेरी मीटिंग भी हुई थी दिल्ली में हुई थी किसी इसमें बड़े उसमें हुई थी, तो इसका घी का जो कीमत 3,000 रुपये होना चाहिए, इतना ये काम करने वाला है, और तब जाके हमारे ये कई लोग इस चीज़ को समय महंगा हो गया। देखो ये पैसा जो है मेरे को नहीं जा रहा, किसी फैक्ट्री को नहीं जा रहा, किसी बिचौले को नहीं जा रहा, यदि मेरे पास पैसा है मैं डायरेक्ट किसी किसान को दूंगा, तो उसका जो है अगर उसको 2,000 रुपये किलो ये बिक जाए तो विकास हो गया, उसमें कोई दो राय नहीं। अब जो है हम जो है क्या बाजार से जो घी ला रहे हैं उसमें पता नहीं कितने प्रकार की मिलावट है, लोगों ने चिट बढ़िया लगा रखे हैं, बहुत बढ़िया पैकिंग है, लेकिन पैकिंग से कुछ नहीं है, नेचुरल चीज़ को हम लोगों को देखना चाहिए। आज जैसे हमारे जो देश के नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी, जैसे ऐसा सोच रहे कि हम सब लोगों की एक सब लोगों की जो है जिम्मेवारी बनती है। ये सेमल का चार है, ये तो लग रहा था आम जैसा है, आम जैसा लेकिन सेमल का चार है, आप एक छोटा पीस देख लीजिए, आप कैश कोई वो नहीं, खराबी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा पीस ले लीजिए, कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये अदरक का चार है जी, ये सबसे टॉप का चार है, बहुत सुंदर, ये खराब होने वाला नहीं, बहुत खट्टा होता, तीखा होता, गर्मियों की नीचे की जगह के लिए बहुत सुंदर। कितने का है ये? 200 रुपए किलो जी। आधा किलो मिल सकता है इसका? आधा किलो मिल रहा है। आधा किलो ये दे दीजिए, आधा किलो ये दे दीजिए मेरे को, मेडिकल शॉप भी है, वो भी मिलते हैं, जगह ऊपर जाएं तो ये ऑक्सीजन वाला लगा लें, ये सब चीजें मिलती हैं गंगोत्री। ये मेरा होटल का व्यू है बाहर से, ये रूम है, यहाँ आप सब कुछ मिलता है खाने का, ये पुरोहित होटल है, नीचे भी रूम है, मुझे ऊपर चाहिए था क्योंकि मैं सीढ़ी बार बार नहीं चढ़ सकती थी, तो मैं अपना रूम दिखाती हूँ, छोटा है, 1500 का 2000 का था पहले, उन्होंने कम करके मेरे को 1400 पर डे का दिया दो लोगों का, हालांकि उसमें 3 बेड पड़े हैं, गीजर वगैरह भी है, और उसमें यहाँ 4 बेड का भी है, और बाहर का व्यू गंगा जी है मंदिर के जस्ट पटल में हो गया है काफ़ी, पहले ये वॉशरूम है, गीजर लगा हुआ है, और 3 बेड हैं, और ये इधर साइड में टेबल दिया गया, 2 चेयर दी, मेरे कपड़े काफ़ी गीले हो गए थे, चार्जिंग पॉइंट दिया गया है छोटा सा स्मॉल सा, लेकिन इसका व्यू बहुत अच्छा है। ये देखिए बाहर से गंगा जी दिख रही हैं, यहाँ आप नहाने का पूरा बना हुआ है, पूरा ग्लास है, पूरा पहाड़, पूरा हिली एरिया सब देख दिखाई दे रहा है यहाँ से।
मैंने गंगा जी का भी स्नान किया, अभी शाम का 4 बज रहा है, बहुत ठंड है, बहुत ठंडा पानी है। ये इन्होंने अच्छा किया है, यहाँ पे लेडीज़ों का चेंजिंग रूम बनाया रखा है कि आप नहा के यहाँ अपने कपड़े भी चेंज कर सकती हैं। मैं दिखाती हूँ आपको गंगा जी का, गंगोत्री का, ये देखिए लोग नहा रहे हैं, और यहाँ देखिए ऊपर बर्फ़ है, ये पूरा ये स्थान है, और यहाँ भी लोगों के रूम्स हैं, और देखिए ये चेंजिंग रूम बने हुए हैं, इधर घाट बना हुआ है, जंजीरों में पकड़ के लोग नहा सकते हैं, मैंने अभी यहाँ नहाया है। मेरा ये रूम देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा जो बाहर का व्यू था होटल का वो था, जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है कर्टन, जहाँ वो आदमी खड़ा है, वो मेरा होटल का रूम है, और मुझे अपने होटल के रूम से अब यहाँ का व्यू नज़र आता है, ये देखिए। और यहाँ आप अपने घर के लिए गंगा जल भी लेके जा सकते हैं, प्रसाद वगैरह सब पूरा। यहाँ टॉयलेट भी बना हुआ है, और यहाँ ऊपर आप रुक भी सकते हैं। तो ये मैं नहाई, और ये मैंने यहीं परचेस किया, क्योंकि मेरे सारे कपड़े गोमुख में ख़राब हो गए थे, तो मैंने स्वेटर शॉल कैप सब न्यू लिया, क्योंकि मेरे 3 जैकेट ख़राब हो गए थे गोमुख में, इतना वो था स्नो गिरा था रास्ते में। और ये देखिए पीछे, ये मेरे पीछे यहाँ से स्नो भी दिख रही है। ये वो स्थान है जहाँ भगीरथ जी ने गंगा जी के लिए प्रार्थना की थी, और यहाँ ही बैठ के उन्होंने तपस्या की थी, और यहीं है ना गंगा जी, पहले तो बहुत दूर हो गई हैं, लेकिन है ना अब पहले यहाँ से गंगा जी का जो गोमुख का स्थान है वो पहले काफ़ी यहीं पे था, वो धीरे 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 और आगे बढ़ती चली गई है। तो यहाँ पे भगीरथ जी ने बैठ के यहाँ गंगा जी का प्रार्थना की थी, और यहीं गंगा जी प्रकट हुई थी, और ये साथ में ये बगल में पूजा कराने का ये माँ गंगे की वो है मंदिर। यहाँ धरती यहीं पे बैठ के भगीरथ जी ने तपस्या की थी गंगा जी के लिए। यहाँ पे भगीरथ जी ने 5500 वर्ष तक तप किया था माँ गंगा को स्वर्ग से लाने के लिए, यहाँ पे बैठ के इन्होंने तप किया था, और सूखे पत्ते खा के और बर्फ का पानी पिला करके उन्होंने यहाँ पे तप किया था, जिससे गंगा माँ प्रसन्न होके यहाँ पे उनका अवतरण हुआ, गंगोत्री, तब से यहाँ का नाम गंगोत्री। तो यहाँ गोमुख तो बहुत दूर है, तो गंगा जी पहले अब ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, अब गोमुख 18 किलोमीटर पहले गोमुख यहाँ था, पहले ग्लेशियर यहाँ पे था, यहाँ पे बैठ के तब क्या था। तो गड्ढा जो है बीच में, वो गड्ढा जो है उसे पानी कैसा है? नहीं वो जैसे मानो कोई तर्पण कराता है, तर्पण कराता है कोई, तर्पण का पानी जल। तो यहाँ श्राद्ध तर्पण भी होता है? श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, तो इसके लिए अलग से वक्त चाहिए? वक्त तो नहीं, पर जैसे आपको करना है, किसी और को करना है, वो आके आप अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं। मुझे भूख लगी थी सुबह से, कुछ खाया भी नहीं मैंने, तो ये मैं बगल में गंगोत्री मंदिर के बगल में हिमालय पुत्र रेस्टोरेंट है, यहाँ मैं खाने आई, बहुत रिजनेबल प्राइस है। मैंने दम आलू और राजमा ऑर्डर किया, 2 रोटियाँ ऑर्डर की गई, और मैं इसके बाद गुलाब जामुन भी खाऊंगी, और इसके अलावा मैं थोड़ा राइस भी लूँगी। कॉफ़ी, दम आलू, एंड ये कश्मीरी पहाड़ी आलू है जिसे दही में मेल करके बनाया गया है उत्तराखंड के, और ये पहाड़ी राजमा जो यहाँ की विशेषता है, यहाँ के राजमा वाइट होता है, ये वो वाला है। तो मैं ये ऑसम फूड, गॉर्जियस फूड फिनिश करती हूँ। इस
उल्टी दौड़ की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में भैरव घाट पड़ता है गंगोत्री से। एक गरम गरम समोसा और मोमोज यहाँ का उत्तराखंड का। ये हमारे यहाँ तो अच्छा वैसा समोसा रहता है, ये ताज़ा बना हुआ है और इसका टेस्ट अलग है। इसका मसाले में पीला ग्रेवी है, मसाले जैसे अपने काले काले होते हैं इनमें पीला है, मतलब इनकी सब्जी बना के बिल्कुल फ्रेश और बड़े बड़े समोसे हैं, अलग ही टेस्ट है। गरम गरम मोमोज उत्तराखंड के, वो भी यमुनोत्री के पास भैरव घाट के।